बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग सब्जी सिखाऊंगी जिसका नाम है पोटैटो टोमेटो, मतलब एक सूखी आलू और टोमेटो की सब्जी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत भी है, जिसमें आपको कुछ नहीं, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ये इसमें ना अनियन है, ना गार्लिक है, ना जिंजर है, कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल रेसिपी है जिसमें आपको सिर्फ बॉयल पोटैटो, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है, और टमाटो, ये मैंने देसी टमाटो लिए हैं। देसी टमाटो एक लोकल टमाटो होते हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा खट्टापन होता है, और ये एक डिश को अच्छा से टेस्टी और नेचुरल फ्लेवर्स देता है जो टमाटो का होता है। और ऑयल चाहिए, और ये कुछ स्पाइसेस हैं जो हमें चाहिए, बस इसे और कुछ नहीं चाहिए। चलो हम शुरू करते हैं अपनी ये आलू टमाटो की रेसिपी। हम लेंगे ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, इसको थोड़ा सा हम लो मीडियम हीट पे रखेंगे और हम थोड़ा गर्म होने देंगे। हम टेम्परेचर ऐसे चेक करते हैं, हाथ अपना लीजिए थोड़ा ऊपर, अगर ये हीट हो गया है तो आपको खुद फील हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप डालिए। आ टी स्पून ऑफ जीरा, फिर उसके बाद जब ये जीरा भून जाए टमाटोज, ध्यान रखिए आप टमाटो डालते हुए थोड़ा पीछे हटिए, क्योंकि जैसे गरम तेल में ये टमाटो जाएंगे और ये उछलेगा इसका ऑयल, क्योंकि टमाटो में वाटर होता है और ऑयल में वाटर जाते ही वो उछलता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा और इसको पकाइएगा। अभी हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे सारे। स्पाइसेस में जाएगा सॉल्ट, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसमें हम ज़्यादा लेते हैं क्योंकि धनिया का भी एक अलग स्वाद होता है। लेंगे रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर हम थोड़ा कम ले रहे हैं क्योंकि इसमें स्पाइसेस डाल सकती हैं। बस हम इसको पकाएंगे एक लो हीट पर, जब तक ये अपना खुद सारे टमाटो रस ना छोड़ दे और ऑयल साइड में ना आ जाए, तब तक ये पकेगा। ये पक रहा है तो हम साइड बाय साइड क्या करते हैं, पटैटोस को कट कर लेते हैं। कुछ को कट करेंगे, कुछ को मैश करेंगे हाथों से। मैश करने से क्या होता है कि सब्जी में एक थिकनेस आती है और एक अलग फ्लेवर अभी आ जाता है। अब हम इसको काटेंगे और इसके कोई शेप नहीं है, आप रफली चॉप कर सकते हैं कैसे भी, और कुछ मैश करेंगे और कुछ काटेंगे। चलिए देखते हैं। हमारे टमाटोज ऑलमोस्ट गल चुके हैं, हमें बस यही करना है कि हिलाकर देखना है हमें इसे कि हमें ये अच्छे से हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो देखिए ऑलरेडी हो चुके हैं, सब रस गए हैं और ऑयल भी छोड़ रहे हैं। लास्ट देखिए ये साइड में ऑयल, ये देख रहे हैं आप साइड में, ये ऑयल है जो ये दिखाता है कि ये टमाटोज पक चुके हैं, और हमारे आलू भी कट चुके हैं। तो बस हम इसमें क्या करेंगे, ये आलू ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको अच्छे से घुमाएंगे कि ये जो मसाला बना है टमाटोज का, इसके अंदर ये बस आप इसमें इसको टेस्ट कर लीजिए,
कि अगर आपको लगता है कि इसमें नमक कम है या किसी चीज़ की कमी है तो आप दोबारा से टेस्ट करके इसमें डाल सकते हैं। जैसे हम थोड़ा सा नमक कम लग गया तो हम नमक डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला हमारे घर में या हमारी जितनी भी रेसिपीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट मसाला है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। और इतना भी नहीं, हमारे किचन में जितनी भी आप रेसिपीज़ देखेंगे हमारे ब्लॉग में, वो फ्लेवर और टेस्ट से भरी हुई है। एकदम सिंपल रेसिपीज़ हैं और हमारे ब्लॉग में आपको स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स रेसिपी देखने को मिलेगी। देखिए ये अब हमने इसमें ऐसे कर दिए। अब हम स्लो पे इसको थोड़ा पकाएंगे जिससे टमाटो और आलू एकदम मिल जाए। ये रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं ट्रैवलिंग के टाइम, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं पर भी, क्योंकि ये एक तरी वाली सब्जी नहीं है, करी सब्जी नहीं है, एकदम सूखी ड्राई सब्जी है। आप इसके साथ पूरी, रोटी और पराठा, आप अपने ट्रैवलिंग के टाइम ये बहुत इजीली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। बस इसको बनाइए, इस पे धनिया पत्ता डालिए। अगर आपको धनिया पत्ता नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, मत डालिए। और इसको लंच बॉक्स में रेडी कर लीजिए। आप जब ये पकने लगेगा तो आपको एक अच्छी सी स्मेल आएगी। आलू और टमाटर एक साथ पकते हैं तो बहुत अच्छी सी एक स्मेल आती है। हमारे डालेंगे और इसको बस मिक्स कर देंगे। जब आप इसमें खुशबू फील करने लग जाएं तो इसका मतलब आपकी सब्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल रेसिपी है।